दोस्तों आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम सैटर्न सिर्फ 2 साल में पहुंच सकते हैं, जिसको अभी के वक्त 8 साल का समय लगता है। दोस्तों इसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रॉकेट इंजन। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कम टाइम में कम फ्यूल यूज करके स्पेस में कहीं भी पहुंच सकते हैं। वेल, इस टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो हेलो जिज्ञासु पीपल, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों इस रॉकेट के इंजन में वो सेम रिएक्शन होगा जो रिएक्शन सूरज में होता है। पहली बार इस रॉकेट इंजन को पल्सर फ्यूजन द्वारा बनाया जा रहा है। इस इंजन का नाम डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव है, जो कि स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई भी करेगा। ये रॉकेट 1000 kg तक का पेलोड प्लूटो तक सिर्फ 4 साल में ले जा सकता है। इसमें एक चैम्बर होगा जो कि 8 मीटर लंबा होगा, जिसका ऑर्बिटर डेमोंस्ट्रेशन और टेस्टिंग 2027 में होगा। लेकिन ये आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए सन जितना टेम्परेचर चाहिए इसको अचीव करना डिफिकल्ट है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोपल्शन के सेंटर में अल्ट्रा हॉट प्लाज्मा होगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। साइंटिस्ट ये पता लगा रहे हैं कि इस सुपर हॉट प्लाज्मा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेफ और स्टेबल कैसे रखे। इस बॉक्स के टेम्परेचर को मशीन लर्निंग की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए पल्सर फ्यूजन ने प्रिंसटन सैटेलाइट से पार्टनरशिप की है। पल्सर फ्यूजन सुपर कंप्यूटर का यूज करेगी, जिससे इस प्लाज्मा का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। अगर साइंटिस्ट चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर 700 मिलियन डिग्री रीच कर ले तो इस सन एनर्जी का यूज करके रॉकेट की स्पीड करीब 8 लाख किलोमीटर/आवर की कर सकते हैं। इसमें फ्यूल पेलोड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे क्लीन और एफिशिएंट वे है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले इस वीडियो को अपने जिज्ञासु दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।